डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इन लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट निकला है सिविल कांस्टेबल और सिविल पीएसआई का, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नोटिफिकेशन के डिटेल्स क्या हैं, वो सब चीज़ें आपने डिस्कस किए थे। इस बार के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट का सिविल कांस्टेबल और सिविल पीएसआई के लिए, उसको फिलअप कैसे करना है। ये फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रख लीजिए ताकि फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। फर्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अपना एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड या उसके जो इक्वलेंट जो मार्क्स कार्ड है वो रख सकते हैं, उसी हिसाब से जैसे आपके एसएसएलसी के मार्क्स कार्ड में आपका नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओ डेट ऑफ बर्थ जो है वो उस हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो, एस सी एस टी 2A 3B 3A, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। उसके साथ साथ अगर आप रूरल कैंडिडेट्स, कन्नड़ा मीडियम कैंडिडेट्स, डिस्प्लेस्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन, ऐसे कोई कैटेगरी या ग्रुप में जा रहे हो तो वो सर्टिफिकेट भी आप तैयार रखें। वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सर्टिफिकेट वैलिड हो और लेटेस्ट हो, आउटडेटेड ना हो, उसकी जिसकी तारीख ख़त्म हो गई ऐसे वाले सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपलोड करने के लिए एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अच्छी तरह से स्कैन किया हुआ, फिर एक वाइट पेपर पे आपको साइन करके उस सिग्नेचर को स्कैन करना है, और आपका आईडी कार्ड मतलब जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, ये ऐसी चीज़ें आपको रेडी रखने पड़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये या तो JPEG फॉर्मेट, JPG, GIF एंड PNG, सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट होती हैं, और इनका साइज़ जो है वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250 KB से अगर ज़्यादा हुआ, या ये जो फॉर्मेट्स हैं JPEG, JPG, GIF, PNG, ये फॉर्मेट्स में नहीं रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को रख सकते हैं आप। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप किसी भी इंटरनेट सेंटर, ऑनलाइन सेंटर में जाके प्रोफेशनल्स के पास से वहाँ से फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको इसमें मदद करूँगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप ब्राउज़र ओपन कर दीजिए। ब्राउज़र ओपन करके गूगल में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए, गूगल ओपन करके वहाँ पर टाइप कीजिए KSP 2021। अगर आप KSP 2021 टाइप करके एंटर दबाएंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से जो फर्स्ट रिजल्ट है REC21.KSPOnline.in, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में जाइए और नीचे आइए तो यहाँ पर ओपन पोस्ट कौन कौन से हैं वो दिखा रहा है। दो पोस्ट ओपन है, एक है पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 4000 पोस्ट का है, और ये 25 मई से 25 जून तक, 25 मई टू 25 जून तक ओपन है। और दूसरा पोस्ट है पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया और 15 जून को एंड होगा। तो अब जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक हियर टू रजिस्टर। जैसे हम अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए क्लिक हियर टू रजिस्टर। ये करने के बाद नया विंडो ओपन होगा। इस नए विंडो में आपको यहाँ पर आएगा उस पोस्ट के बारे में, अगर ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब आपने सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्ट्रक्शंस पूरे यहाँ पे मेंशनड है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे आके आई एग्री बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अप्लाइंग एज अ पूछेगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन रहेगा, अगर डायरेक्ट कैंडिडेट है तो डायरेक्ट कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन। डायरेक्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कीजिए, फिर उसको प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने होंगे, जैसे जो भी आपका नाम है,
यूनिट यहाँ पर नाम सेलेक्ट कीजिए, फिर यूनिट किस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बैंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएंगे जितने भी यूनिट्स के लिए निकले हैं वो पूरे यूनिट्स मिल जाएंगे, उसमें से जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंगलोर सिटी है तो बैंगलोर सिटी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है, उसके बाद नेक्स्ट ये फील्ड में आपको अपने फादर का नेम, वालिद का नाम टाइप करना है, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपको पूरा अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसको टाइप कीजिए, एरिया कहाँ पर रहते हो आप, फिर तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तो कर्नाटका रहेगा, फिर पिन कोड डालना पड़ेगा आपको 6 डिजिट्स का पिन कोड। अगर आप अपना आधार कार्ड लेके बैठ जाओगे तो आधार कार्ड में आपको वो पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप मूलतः जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप बेलगाम के नेटिव हो तो बेलगावी डाल दो। फिर आपको यहाँ पे डालना होगा ईमेल आईडी, ओके ईमेल आईडी डाल दिए। मैं सब डमी डाल रहा हूँ, आप जब एप्लीकेशन डालेंगे तो ये सब चीज़ें करेक्ट डालिए। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अगर आपका रॉन्ग रहा तो फिर आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बाद में जो आएंगे, मैसेजेस आएंगे, वो आपको सही तरीके से मिल नहीं पाएंगे। मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, फिर कंफर्म मोबाइल, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आधार कार्ड नंबर, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो नंबर एंटर करना है। उसके बाद रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर आप कुछ रिजर्वेशन कर रहे हो, जैसे अगर कैटेगरी है तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी, जनरल मेरिट है तो जनरल मेरिट, 2A, 2B, 2C, अगर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप इसको सिलेक्ट करना है, नहीं तो जनरल मेरिट में अप्लाई कीजिए। फिर आपका हाइट यहाँ पे मेंटेन करना है, यहाँ पे आपको फ़ीस दिखाएगा, जनरल मेरिट का 400 रुपये फ़ीस है मेल कैंडिडेट्स के लिए। हाइट मिनिमम 168 होना चाहिए, तो आप जो भी आपका हाइट है डालिए, 168 से कम डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, आपका जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं बैठ रहा है तो वो यहाँ पे आपको मैसेज दिखा देगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, डू यू बिलोंग टू फैमिली ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपके फादर या मदर आर्मी में थे तो यस दीजिए, नहीं है तो नो दीजिए। अगर आप यस देंगे तो वो सर्टिफिकेट पूछेगा, आप यहाँ पे नो दे दीजिए। आर यू क्लेमिंग PDP रिजर्वेशन, अगर PDP रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। आर यू क्लेमिंग कन्नड़ा मीडियम रिजर्वेशन, अगर कन्नड़ा मीडियम यस बोल रहे हो तो यस है, अगर आप कन्नड़ा मीडियम से नहीं हो तो नो देना है। आर यू अप्लाइंग फॉर रूरल रिजर्वेशन, अगर रूरल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर यस देना है, नहीं तो नो करके देना है। उसके बाद आर यू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कल्याण कर्नाटका रीजन, कल्याण कर्नाटका रीजन के हैं तो यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यस देंगे, नहीं तो नो देंगे। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, अगर किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं तो आपको यस देना पड़ेगा, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो यस देंगे तो डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं तो नो करके दे दीजिए। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अगर आप पहले से काम करते हो और किसी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आपको अगर ये हुआ है तो वहाँ पर यस देना है, नहीं तो नो देना है। अगर आप काम नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। हैव यू बीन कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, पहले क्या किसी क्रिमिनल केस में आपको सज़ा हुई है कोर्ट से, अगर सज़ा हुई है तो यस देना है, यस देंगे तो डिटेल्स पूछेगा, नहीं तो नो दे दीजिए। उसके बाद आपका पूछेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका अगर डिग्री हुआ है तो आपको यस देना है, नहीं हुआ है तो नो देना है। अगर आपने कन्नड़ा लैंग्वेज SSLC में सीखा है या नहीं, फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड रहा तो
यस करके दीजिए। प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना है। अगर ट्वेल्थ हुआ है तो ट्वेल्थ CBSE, ICSE, SSE इक्वलेंट है, या फिर PUC है तो PUC, NIOS से हुआ है तो NIOS, 3 years डिप्लोमा, 2 years ITI, 2 years जॉब, अगर PUC हुआ है तो PUC सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा वो, किस मंथ में आप पास हुए थे। ओके, अप्रैल 2019 समझ लीजिए। डेट कब, रिजल्ट कब अनाउंस हुआ वो डेट पूछेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना है। आपके मार्क्स कार्ड पे ये डेट मिल जाएगा आपको, वो डेट सिलेक्ट कीजिए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा आपका मार्क्स कार्ड पे, ये भी जो आपका PUC का मार्क्स कार्ड है उसके ऊपर ये मिल जाएगा आपको। अगर आपने रेगुलर लिया है, ओपन किया है वो पूछना है। अगर रेगुलर किया है तो रेगुलर, ओपन से किया है तो ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन। ये होने के बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे आपने PUC कर्नाटका के PUC डिपार्टमेंट से किया है तो 600 में रहेंगे, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले थे। जैसे 425 मिले हैं तो 425 डाल दीजिए, उसके बेसिस पे वो परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। ये सब चीज़ें भरने के बाद नीचे आइए, एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी कार्ड्स, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड पूछ रहे हैं। अगर आपके पास आधार है तो बेस्ट आधार डाल दीजिए, अगर आधार नहीं है तो आप दूसरे भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह। आधार क्लिक कर दिया, आधार का यहाँ पे नंबर पूछेगा, 12 डिजिट का नंबर एंटर करना है। फिर अगर आपके बॉडी पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं तो पूछ रहा है, वो आपको बताना है। जैसे अगर आपके फेस पे कोई ब्लैक स्पॉट है तो उसको लिखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, अगर गाल पे हैं तो दो पूछ रहा है। और एक अगर कोई इसी तरह का है तो उस तरह के आपको भरना है। वो भरने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा फोटोज अपलोड करने के लिए। फोटोज जैसे मैंने कहा था, उनका साइज होना चाहिए मिनिमम 250 KB से कम होना चाहिए, और उनके पिक्सेल्स जो है 400x400 सभी फोटोज के। इसके साथ साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका एक थंब इम्प्रेशन, एक पेपर पे, मतलब अंगूठा लगाना है एक पेपर पे, अंगूठा लगा के उसका एक स्कैन करना है। ये सब चीज़ें लेके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चूज़ फाइल कीजिए। चूज़ फाइल करने के बाद जहाँ पर भी आपने रखा होगा, जैसे मैंने डी में अपने न्यू फोल्डर में रखा है, तो वहाँ से मैं अपना फ़ोटो चूज़ कर दूँगा। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, जहाँ पे आपने थंब इम्प्रेशन रखा है वो ले लीजिए, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है। सिग्नेचर फिर चूज़ कीजिए, आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, जैसे अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी चुना था वो डाल दीजिए यहाँ पर। वो डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको डिस्प्ले होंगे जो भी आपने डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है। ये अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा फ़ोटो। देखिए धीरे धीरे होते हैं, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, अब आईडी कार्ड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं वो सब सही हैं या नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो आप एडिट में जाके उसको सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो उसको सेव कर दीजिए। सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा और वो नेक्स्ट पेमेंट पेड पेज पे चला जाएगा। ये देखिए अभी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। होने के बाद अभी आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर आप पोस्ट ऑफिस चालान भरना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, चालान जनरेट हो जाएगा।
अगर HDFC बैंक का चालान भरना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, HDFC बैंक का चालान हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये होने के बाद फिर आप कभी भी माय एप्लीकेशन में जाकर आपके एप्लीकेशन के डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन है, इसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए। इसमें आपका एक नंबर भी रहेगा, एप्लीकेशन नंबर। इसी के बेसिस पे आप फ्यूचर में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस सर्च कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है, प्रोसीजर कैसे अपलोड करना है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।